के आइडिया को तो बहुत भावुक क्षण थे, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। ये देखना, ये तैयार हो गया, मुझे शादी की टेंशन हो गई इसकी। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं, स्पेशली बेटियां, पता ही नहीं चलता है। साढ़े 8 बजे आज मुझे दिया को लेने जाना होगा, उसका एग्जाम है और उसके बाद उसको अपने प्रोजेक्ट, एक्चुअली प्रोजेक्ट वर्क बहुत मिलते हैं स्कूल से, तो वो पूरा करना है, तो लेने के लिए स्कूल जाना होगा। वहीं से रास्ते से आज आप लोगों का भी रास्ता है वो, और दिखा दूंगी वहाँ पे सब्जियाँ कितनी अच्छी मिलती हैं अगर सुबह सुबह खुला मिल गया। सुबह सुबह हवा देखी, हमारा भीम ब्रह्मताल का ट्रैक भैया ने बिना डेट सोचे समझे रखते हैं 21 जनवरी रख लिया है, 22 जनवरी को शिलान्यास है। तो भैया हम सेलिब्रेशन तो करेंगे ना राम मंदिर का अपने ऋषिकेश में, भैया को बोलती हूँ कि प्लीज़ डेट चेंज कर लीजिए, 24 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर 21 ना कीजिए। ये देखो रात को टक्कर मारी है, ये बहुत डेंजरस पॉइंट है, और ये पलट गया और चौकी भी वो उड़ा दी इन्होंने। एक दिन इसी रोड पे बहुत लंबी वॉक करके आऊंगी जैसे पहले करके आते थे ना। दिया के स्कूल ना जल्दी आ गई, अब यहाँ से सब्जी ले रही हूँ। देखिए ये दिल्ली हरिद्वार, वो ऋषिकेश हरिद्वार रोड है ये वाला। देखो यहाँ आलू ना बढ़िया मिलेंगे देसी आपको, पहाड़ी। एक तो सीधा आते हैं जो आप राजस्थानी वाली रोड से आते हैं, एक मैं पीछे से बताती हूँ ना सीधा, ये वो वाला रोड है श्यामपुर फाटक, नहीं श्यामपुर फाटक तो पहले, एक और फाटक आता है, DSB स्कूल है बहुत बड़ा। तो यहाँ पे आपको सब्जियाँ अच्छी मिल जाएंगी। मेरा थैला इसी में पड़ा हुआ है। ऋषिकेश में ना सब्जियाँ महंगी मिलती हैं, यहाँ पे ठीक मिलती हैं और अच्छी मिलती हैं। अरे रुक जाओ अंकल, रुक जाओ रुक जाओ, ये लो ये लो ये ले, आ जा आ जा, ये ले आ ले, खोल के खाएगी, खोल के खा ले। देखा हरा देख के दूसरी भी आ गई। आजकल पालक मेथी ये सब सस्ते आ रहे हैं, तो 10-20 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जब भी आती हूँ ना, एक्चुअली यहाँ पे तो मिल जाती है और गाय खड़ी भी मिल जाती है, तो यहीं की यहीं दे दो, अच्छा लगता है। और देखो कैसे टूट के पड़ी है एकदम हमारे चारे पे। दिया को ले आई हूँ, अब घर चलते हैं सीधा, आज सुबह सुबह आज आ गई खून पीने के लिए। चौकी वोकी सब उखाड़ दी इसने। बना रही हूँ पालक पनीर, हमारे घर को ऐसे पहचान लेती है ये, कहा क्या नाम है आपका, नाम ही नहीं, ममता, ममता रिठाला, मतलब सब वहां से आए। मैंने फ्लैट भी एक एक कदम आपका पहचान लिया, यहाँ से निकलते हो आप, ऐसे गेट खोलते हो, ऐसे जाते हो। और इनको मैं मोटी नहीं लग रही। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जिनको मिलना है वो आके देख लो, इतना तो होना भी चाहिए। हाँ नहीं मैं मोटी हूँ, पर अभी नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं किसी से पूछो आप, किसी से पूछो नहीं हो। हाँ बल्कि मैं अपना शॉल उतार दूंगी तो मैं आपसे हेल्दी हूँ। मेरी मेड जो नहीं रखी है ना, मैंने काम करने आती है, वो 11 बजे आती है। अभी वो रिंकू आएगी 1 तारीख के बाद, हमने बोला पहले अच्छी तरह से अपने पति की सेवा कर ले फिर ही आना, क्योंकि बार बार फिर वो डिस्टर्ब होगा, हमारे लिए भी होगा, इसीलिए मैं सुबह कहीं जा नहीं पाती हूँ, मुझे देहरादून जाना। ये मेरा रेडी हो गया, पालक का साग, मूली और गुड़, ठीक है ना। और टाइम कितना हो गया, तब काम ख़त्म करने के बाद 5 बज गए हैं, मेरे को इतने सारे काम थे, भागी भागी गई देखो। और फिर सुबह जल्दी उठती हूँ तो फिर नींद आने लग जाती है, क्योंकि दिन छोटे होते हैं ना। और अब जाएंगे खा के गंगा जी। इस दिया की अब शाम को है फेयरवेल पार्टी। देखो वैसे तो स्कूल वालों को करना चाहिए, पर टीचर के साथ इंजॉय करते हैं तो अच्छा लगता है। तो टीचर्स का भी तो बेचारों का मन करता है कि जो 12th के बच्चे जा रहे हैं उनके साथ हम पार्टी करें, इंजॉय करें, पर स्कूल प्रिंसिपल सर ने पता नहीं क्या निर्णय ले रखा है कि स्कूल में फेयरवेल पार्टी होगी नहीं 12th की। अब मैं जा रही हूँ, और क्या कहते हैं इसको, हम तो ऐसे ही घर पे तैयार हो गए थे, और वही मेरी फ़ोटो शादी के टाइम पे सर शर्मा जी के पास आई, और शर्मा जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था उस फोटो। उस फोटो को देख के कह रहे थे वो लग रही है एकदम जैसे ठेकेदार की पत्नी होती है ना, ऐसी लग रही है। तेरे एक्सेप्ट क्यों करा, एक्सेप्ट किस में करा है, आई मीन दूसरा फोटो गया था फिर।
दूसरे फोटो में एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्टेंस हुई थी, मतलब उसके बाद देखने का सिलसिला चालू हुआ था पहले में तो। और आजकल के बच्चे महंगी महंगी साड़ियां लेते हैं, साड़ी तो इसको वहां से मिल गई थी, इतनी बढ़िया इसको बेली दिला के लाई 1000 रुपए 1100-1200 रुपए की है। अब ये पार्लर में मेकअप करा के आ रही है। मेकअप आप ये भी बता दो करो कि मेकअप मैंने आपको नहीं बोला तो घर पे कर दे, आप आते नहीं है, बाल करवा के आई स्ट्रेट देखो। और हम तो ऐसे ही तैयार हो गए थे और ऐसे ही अपने पप बना के काजल कुजल लगा के चले गए थे आंटी टाइप्स। ये देखना ये तैयार हो गए, मुझे शादी की टेंशन हो गई इसकी। शिवांगी को नहीं देखा था मैंने तैयार होते हुए, क्योंकि मैं वहां थी ना, मैं और ऑस्ट्रेलिया थे, देख के मुझे चिंता हो रही है। देखो भैया ये देखो दिखा दे इधर देख ले। समृद्धि का रिएक्शन कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। मुझे इसको छोड़ने के लिए एम्स की रोड पे जाना पड़ेगा, एम्स वाले रोड पे जाना पड़ेगा। देखो क्या क्या करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे रश है, और सुबह रश नहीं था, अब रश हो गया एकदम से। और एम्स रोड पे जाना है, प्रिंसिपल से सर से रिक्वेस्ट है कि ये पार्टी आगे से स्कूल में रखें और सुबह के टाइम रखें। 10:30 बजे मुझे लेने जाना पड़ेगा इसको। और स्कूल की पार्टी है ना, तो स्कूल में अच्छी लगती है, स्कूल में इसलिए अच्छी लगती है, स्कूल में बच्चे टीचर्स के साथ एंजॉय करते हैं। टीचर तो बेचारी टीचर भी रह जाती है बच्चों के साथ, डांटती है। टीचर की अलग वो होती है, टीचर भी ना वहाँ पे जाते हैं बेटे, बच्चों और स्टूडेंट और टीचर की जो होती है उनका कॉम्बिनेशन होता है इसमें, समझ गए ना? तो मतलब बच्चे भी नहीं चाह रहे इसका, मतलब टीचर हसल करेंगे और क्या। तो उनके साथ तो आज नए बच्चे होते हैं हमारी, लेकिन हमारी वो मतलब ये इससे ये प्रूफ होता है कि बच्चे नहीं जा रहे बिल्कुल भी। जाम इतना लगा हुआ है उधर की साइड कि मैं पीछे से घुमा के लाई हूँ। हालांकि ना इसको देर हो रही है, नहीं तो आराम पहुंच जाते धीरे धीरे करके, पर फिर ये लेट हो जाती। जबरदस्त हमारी पार्टी में घुसना चाह रही है। मैं माँ हूँ, मुझे तो कोई नहीं रोक सकता। किसी के माँ बाप थोड़ी नहीं आ सकता। बिल्कुल चमचागिरी नहीं, पंचायत पंचायत मुझे देखना है। नहीं कोई नहीं देखा, कौन बच्चा कैसा लग रहा है मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगी। ना मुझे अंदर जाना है। मम्मी मैं अंदर वीडियो बना के लाऊंगी। ये सज के तो आ गई है, अब इसको अंदर जाने में शर्म आ रही है, हैं? और ये पार्टी हो रही है, मुझे ये शादी जैसी लग रही है, पता नहीं, है अंदर से तो आए बच्चे। आप किसी की शादी में भी जाना अलाउड नहीं, केस हो जाता है पता है। देख मेरा कड़ा पहन के आई है, ये दिखा जरा दिखा, मेरे इयररिंग्स जो शर्मा जी ने दिए थे ना, वो इयररिंग्स पहन के आई है और अंगूठी पहन के आई है मेरी। कह रही हो यार बारा जो शर्म आती है उसको, पूरी चेकिंग हो रही है। चांद देखिए कितना बड़ा लग रहा है, आज हवा नहीं है। और ये देखिए पिलर भी लग गए लाइट के ना, जितनी जल्दी लगेंगे उतनी जल्दी कूड़ा करकट यहाँ से हटेगा ये, नहीं तो ये घाट पे ना बहुत मिट्टी हो गई है। और डबल डबल लाइट लग रही है, ये लाइट चलेगी इतना गंगा जी ऊपर तक आ जाती है यहाँ तक, बिल्कुल वहाँ लगाइए एकदम कोने पे नीचे वाले घाट पे। आज दिया को देख के ना शर्मा जी की बहुत याद आई, क्योंकि वो ना जैसे एक भैया शर्मा जी के मौसी के बेटे, वो ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, तो वो किसी की भी शादी में आ नहीं पाए थे, तो वो बात बहुत करते थे, तो उनसे बोल रहे थे कि तू अगर बेटियों की शादी में नहीं आया ना शिवांगी की मैं, तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगा और तेरे को पहले आना पड़ेगा। अब देखो क्या सोचता है इंसान, क्या मम्मी और वो प्लानिंग करते थे बैठ के दोनों, एक कहते थे मैं शादी मैं ऋषिकेश में करूँगा, एक ये बोलते ऋषिकेश में करूँगा, मम्मी बोलती दिल्ली में करूँगी, वो बोलते ऋषिकेश में करूँगा, वो बोलती नहीं मैं गीतों में जाती हूँ, मैं गीतों, लेडीज़ को रहता है ना हमारे यहाँ गीत जैसे गीत गाते हैं, नहीं मैं गीतों में जाती हूँ तो मैं गीतों को मैं मतलब लेडीज़ को मैं क्या कहूँगी कि तुम्हारी पोती की शादी है और तुम वहाँ पे कर रहे हो, ऐसी मतलब बातें करते थे दोनों। ये देखो हेलमेट पहन के रात को रील बन रही है, अरे भगवान। इस टाइम 9 बजे हैं, मुझे 10:30 बजे दिया को लेने भी जाना है, आज का पूरा दिन मेरा ऐसा गया, उसी के चक्करों में लगी रही। पहले उसकी साड़ी प्रेस के लिए दे के आई, फिर उसके साथ चप्पल लेने गई, उसकी बैली दिलाई, और फिर पार्लर छोड़ के आई, हर चीज़ मतलब इतना ज़्यादा भागदौड़ थी ना, तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। पर मैंने एक चीज़ वो देखी कि अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कमी ना रहने दें, और बच्चा देखो जो क्या कहते हैं खालीपन है वो तो रहेगा ही,
और बच्चों के मन में तो बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि बढ़ती उम्र है ना, अभी वो समझते नहीं है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक इस उसमें मैंने बोला उसको, कह रही खुद ही बोल रही कि मम्मी मैं सबसे अच्छी, मतलब सबसे अच्छी मैं लग रही हूँ। ये स्टूडेंट ये सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं, ₹1000 per month लेते हैं। लगे हाथ मैंने अपना चैनल भी सब्सक्राइब करवा लिया। मैंने बोला बेटा मुझे सिखा दो, कि जो एक साइड में थे वो डांसर वो है टीचर है, तो बोले हाँ सिखा देंगे। मैंने कहा लिगामेंट स्ट्रेच हो रखा है, उंगली टूट रखी है। कह रहे मैम योगा किया करो। मैंने कहा बेटा योगा करते हैं लेकिन बीच बीच में कुछ टूट फूट हो जाती है। मेरे से कोई पूछ रहे थे मोमोज कहाँ अच्छे मिलते हैं, और मैं भूल गई इनका नाम, यहाँ पे मोमोज अच्छे मिलते हैं। एक चीज़ क्या बोली, योग किया करो हैं, मतलब डांस ने भी योग को परफेक्ट माना है क्योंकि बॉडी स्ट्रेचेबल होती है ना एकदम से, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आती है उसके अंदर, और कितना सहायक होता है देखो हर चीज़ में। कितना बढ़िया लग रहा है, पीछे श्री राम जय राम के भजन चल रहे हैं। शिवांगी के टाइम पे ना मैं और शर्मा जी थे नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, मैं उसने मम्मी के साथ ही, क्योंकि ना वो दादी के साथ बहुत रहना पसंद करती थी, जब वो दादी के साथ होती थी ना तो उसको पापा मम्मी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो दादी के साथ इतनी मतलब लाडली भी थी और फ्रेंड्स की तरह रहती थी। तो मम्मी के साथ गई, साड़ी सेलेक्ट की, अपने आप ब्लाउज सिलवाया, ब्लाउज और जिस दिन पहनना था उसको, उस दिन मैं भी नहीं थी, उनकी चाची हमारे कज़न उनको बोल के गई, मैंने कहा तुम तैयार कर देना, तो उसको हम देख नहीं पाए थे। और उस टाइम शायद शर्मा जी भी थे, बाद में फ़ोटो देखी थी, उन्होंने भेजी मेरे को फ़ोटो, पर अच्छा लग रहा था, प्योर लग रहा है, लेकिन इस टाइम ना भाव अलग थे क्योंकि पापा नहीं है, और वो इमोशनल जो उमड़ उमड़ के आ रहे थे ना बच्चे को देख के कि बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं और पापा नहीं है। देखिए सर्दियों में घाटना कितने खाली हैं, और आप मैं सच बताऊं हवा नहीं है ना, हवा आप मेरे को सब लोग ये भी बोल रहे थे कि कितना हमारे यहाँ बहुत फोग पड़ रही है। मैंने कहा भैया वो फोग नहीं है, वो पोल्यूशन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना बड़ा चांद लग रहा है आपको, तारे भी टिमटिमा रहे हैं, एकदम क्लियर वेदर है, देखिए क्लियर है एकदम ना सारा, और इतनी शांति लग रही है ना, मैं सच बताऊँ इतना अच्छा लग रहा है। ओ उधर से भजन कीर्तन की आवाज़ आ रही है ना, वो भी डिस्टर्ब नहीं कर रही, ऐसा मन कर रहा बैठ जाओ। आप ये सोचिए ऐसी जगह कहीं नहीं मिलेगी, सब कुछ तो है। देखिए ये लोग आके बैठे हुए हैं गंगा, इनको होटल नहीं मिल रहा है लेकिन क्योंकि न्यू ईयर पे आ गए हैं। ये देखिए एकदम शांति है, मेरे से कोई कहते हैं कि रात को आके बैठ रहे, कोई डरने की बात नहीं है, इधर लाइट है ना तो कोई डरने की बात नहीं, इसलिए हमारे वहाँ भी लग रही है लाइट, अंधेरा नहीं रहेगा वहाँ पे भी। बहुत सारे लोग ना क्या कहते हैं मेरी एक ही दिया को ही समझते हैं, क्योंकि जो बाद में जुड़े हैं ना उनको पता नहीं है कि मेरी दो बेटियां, एक बेटी कनाडा में पढ़ रही है, पढ़ नहीं रही अब जॉब कर रही है, वो पीआर आ गई उसकी, और वो 25 साल की हो जाएगी अगले साल 8 जून को ना, तो वो भी बड़ी है, तो इसीलिए मेरे से सब पूछते हैं कि आप किस शिवांगी की बोलते रहते हो, तो बहुत सारे क्योंकि पीछे वीडियो हैं वो उन्होंने देखी नहीं है तो उनको पता नहीं है, इसलिए बता दूं मेरी दो बेटियां हैं, शिवांगी बड़ी है और दिया छोटी है, दिया को सब जानते हैं। अब वो अप्रैल में आएगी, तो अप्रैल में आएगी तो फिर तब उसको दिखा दिया करेंगे, उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, जैसे दिया को तो मैं कूट पीट के अपने अंडर है तो उसको ले आती हूँ। अच्छा वो यहाँ तो वो आ जाती है, लेकिन वहाँ पर जाओ ना तो बिजी लाइफ हो जाती है, कई बार बाहर घूमने भी जाती है तो नहीं बनाते हैं बच्चे वीडियो, बीच में एक बार बनाया था उसने, एक दो बार मेरे कहने से, फिर मैं कहती भी नहीं हूँ कि मत बनाया करो, मतलब ज़्यादा मारा मारी नहीं करती हूँ। अब अप्रैल में पापा के जब 3 साल हो जाएंगे तब वो मतलब कह रही थी कि मैं आऊँगी मम्मी, अप्रैल में स्टार्टिंग में आएगी, मतलब उसी टाइम पे आएगी, मिड में या मार्च में आएगी तभी आएगी वो, और तब आपको ज़रूर मिलवाऊँगी। यहाँ तो ऐसे मन करता है कि घंटों घंटों बैठे ही रहो, और सर्दी तो बिल्कुल अब थोड़ी थोड़ी हवा चलनी शुरू हुई है, और आज आते वक्त ना जब छोड़ के आई दिया को तो बहुत भावुक क्षण थे, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। तो इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं करी, चुपचाप पीछे भद्रकाली वाले रास्ते से आ गई। जैसे ये गंगा जी इस टाइम शांत है ना, पहले उछलती कूदती इस तरीके से हो गई थी शर्मा जी के जाने के बाद,
उतार चढ़ाव ऐसे ही अंदर मन में चलता रहता था। अब एकदम शांत है, पता है कि नहीं है, मतलब सब कुछ तुझे ही करना है, फिर भी एकदम अजीब सी शांति है। वो शांति जो मतलब वो जो शांति है ना, उसका रीज़न मैं बाद में बताऊंगी क्यों है, अभी नहीं बता सकती, अभी तो शुरुआत हुई है, वो बाद में शेयर करूंगी आपके साथ ही। क्योंकि देखो शर्मा जी तो कर देते हैं हर चीज़ को शेयर, लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज़ जो है ना समय अपने, क्योंकि फैमिली, देखो मैं भी फैमिली मानती हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ मानती हूँ कि जब तक उस रास्ते पे प्रॉपर तरीके से चलो नहीं ना और शेयर करने का समय ना आए तब तक नहीं करना चाहिए। और फैमिली हो एक दिन ज़रूर करूँगी, समय आने पे करूँगी और फिर आप सबको भी पता चल जाएगा। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ ज़रूर लगाएं। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं स्पेशली बेटियाँ पता ही नहीं चलता है, और क्या क्या सपने हम, जीवन का एक सच ये भी है कि हम क्या क्या सपने बुनते हैं ना, वो देखो कैसे क्या क्या हो जाता है, वो भी नहीं पता चल पाता कि हम सोचते क्या है हो क्या जाता है। यही जीवन है, यही चक्र चलता रहेगा, आते रहेंगे जाते रहेंगे, जैसे वो गाना है ना एक, हम ना रहेंगे तुम ना रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियाँ। आ जा तू भी, आ जा बहुत देर में, आ जा फोटो खिंचवाने आया था ये अपनी, आ जा। तो तुम ना रहोगे हम ना रहेंगे फिर भी रहेंगी निशानियाँ, तो वही है, ये जीवन चक्र चलता रहेगा, आते रहेंगे जाते रहेंगे। वैसे भूतनी अच्छी बहुत लग रही थी। भूतनी जानबूझ के बोल देती हूँ, क्योंकि हमने उसको ना ऐवें वो ना ऐसे ही कपड़ों में देखा था उसको, शर्मा जी भी डांटते थे कैसी पड़ी रहती है ये, इस तरीके से ऐसे पड़ी रहती है। शिवांगी फिर भी ठीक टिप टॉप रहती थी, लेकिन वो ऐसी रहती थी जल्दी सी बनी, और जानबूझ के बोल, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ टोटका होता है इस तरीके से, आज मतलब इस तरीके से उसको देखा नहीं ना आपने भी देखा है, कभी निक्कर में पड़ी रहती है कभी ऐसी पड़ी रहती है, वो ऐसी रहती है आज जब लगी है तो ऐसे कभी कभी अच्छे लगते हैं। हर हर गंगे हर हर महादेव। पहले बॉयज़ कर रहे थे, बच्चियाँ डांस कर रही हैं, ये सही है रील बनाने का टाइम ना।